क्या समस्या है तुम्हारी? हम हाजीपुर के रहने वाले हैं। हमारी गाय छूट गई थी, अपने गाय को पकड़ने यहाँ पे आए थे। जब हमारी मम्मी भी साथ में थी, हमारी मम्मी गांव चली गई और अपनी मम्मी को यहीं पे बाग में ढूंढ। उन्नाव ब्रेकिंग गंगा घाट एंकर। उन्नाव में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। दो युवकों ने अकेली नाबालिग लड़की को देखकर छेड़छाड़ करने की कोशिश। लॉकडाउन में भी नहीं थम रहे हैं अपराध। पुलिस के प्रयास लगातार फेल होते दिखाई दे रहे हैं अपराधियों का रिक। पुलिस नहीं डाल पा रही है अपराधियों की नाक में नकेलत। उन्नाव में फिर एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़। किशोरी को अकेला पाकर दो युवकों ने किया मानवता को शर्मसार। किशोरी को शरण देने वाले युवक के घर पर आरोपियों ने बोला हमला। आरोपियों ने जमकर चलाए। अब आपको हम बताते हैं कि आपको पूरा मामला क्या है और कहां का है। पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जनपद उन्नाव की कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र के एक गांव का। गंगा घाट कोतवाली की हाजीपुर चौकी क्षेत्र के गांव सकेसर हाजीपुर व बैठना का है पूरा मामला। इस गांव की निवासी नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही दो युवकों ने की जमकर छेड़छाड़। दरअसल किशोरी अपनी माँ के साथ अपनी बंदूकी की बाइक खोजने के लिए गांव के बाहर जंगल पर जाती है। बाइक खोजते हुए किशोरी अपनी माँ से बची जाती है। किशोरी को अकेला पाकर गांव के ही नन्हकू व देवा नाम के दो युवक घेरना शुरू कर देते हैं। किशोरी को परेशान करने के बाद उसके साथ जंगल में छेड़छाड़ करते हुए जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगते हैं। किशोरी की पुकार सुनकर सर्च किया तो वही गाँव की एक महिला बचाने के लिए पहुँच जाती है। अचानक महिला को देखकर दोनों आरोपी जंगल में भाग कर झुक जाते हैं। रोती बिलखती हुई किशोरी अपने गांव के विपिन नामक के घर पर जाकर मदद मांगती है। विपिन पुलिस को सूचना देते हुए किशोरी के परिजनों को भी सूचना देकर अपने घर बुलाता है। किशोरी अपने माता पिता को अपनी आप बीती सुनाती है। किशोरी की आप बीती सुनकर परिजन उग्र होकर युवक की पहचान कराते हैं। किशोरी दोनों युवक हम हाजीपुर के रहने वाले हैं। हमारी गाय छूट गई थी, अपने गाय को पकड़ने यहाँ पे आए थे। जब हमारी मम्मी भी साथ में थी, हमारी मम्मी गांव चली गई और अपनी मम्मी को यहीं पे बाग में ढूंढ रहे थे। जब हमारी मम्मी नहीं मिली तब हम घर जा रहे थे और देवा और नन्हकू हमें पकड़ने की कोशिश करने लगे। एक डेढ़ घंटा ने हमें पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ पाए। फिर अचानक में एक दो लोग हुई देवा और नन्हकू हमें कसके से पकड़ लिया। यहाँ सब छेड़खानी के और कपड़े फाड़ डाले सारे। एक चमारिन ने मुझे बचाया। जब इस मामले के बारे में हमारे एंकर ने जनपद के उच्च अधिकारियों से बात की तो बताया कि मामला संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराई जा रही है। उल्टा ही हमें खड़ा करने लगे।